ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ दिस एंटी माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, इसकी वीडियो नंबर 1 में हम क्या डिस्कस करेंगे, कीमोथेरेपी फॉर ट्यूबरक्लोसिस, मतलब कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट कीमोथेरेपी। ठीक, तो वीडियो नंबर 1 को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसी कीमोथेरेपी फॉर ट्यूबरक्लोसिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1A, 1B एंड 1C। इनको जो कंटेंट है वो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं जो ना इंट्रोडक्शन देता हूँ अबाउट माइकोबैक्टीरियम, इस चैप्टर के बारे में, एंटी माइकोबैक्टीरियम के बारे में। ठीक, ओके, तो यहाँ पे हम सेपरेटली क्यों डिस्कस कर रहे हैं, मतलब कीमोथेरेपी फॉर ट्यूबरक्लोसिस या माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इट इज़ वेरी हाईली रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। ठीक है, कुछ कुछ स्ट्रेन्स पाई गई हैं जिसमें जो है ना एटलीस्ट 7 ड्रग्स के लिए ये क्या है, रेजिस्टेंट है ड्रग्स, ये बैक्टीरिया। ठीक है, तो अब ये 7 नंबर, इतना हाई नंबर कैसे आया है, बाय लो कंप्लाइंस ऑफ द पेशेंट, और ये हाईली रेजिस्टेंट भी है। ठीक है, प्लाज्मिड जनरेटिव रेजिस्टेंस आ सकती हैं, उसके अलावा जो है ना मैंने बात की है लो कंप्लाइंस ऑफ द पेशेंट। कंप्लाइंस क्या होती है, कंप्लाइंस का ये मतलब है कि फ़र्ज़ करें, ये चले कंप्लायंस को बताने से पहले, ये पेशेंट है, ठीक है, अच्छा, इस कीमोथेरेपी फॉर ट्यूबरक्लोसिस क्या होगी, अबाउट 6 मंथ्स से लेकर 2 ईयर्स तक होगी। ठीक है, और अब ये हाईली रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, तो इसके लिए हम क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स देंगे। ठीक है, फ़र्ज़ करें ये इतनी ज़्यादा ड्रग्स है, ठीक है, कंबाइन करके जो है ना हम इसको दे रहे हैं फॉर अबाउट 6 मंथ्स, मिनिमम 6 मंथ्स। ठीक है, तो कंप्लायंस ऑफ द पेशेंट कि वो पेशेंट क्या है, ड्रग नहीं ले रहा। ठीक है, अब ये ड्रग फ़र्ज़ करें 6 महीने इसमें कोई उसने हफ्ते स्किप कर लिए, पहले 1 मंथ बहुत सही ठीक ठाक मेडिसिन ली, फिर बाद में जो है थोड़ा थोड़ा करके रिड्यूस कर दी, ठीक है, लेना, तो इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा हो गई, इसका जो ऑब्वियसली स्ट्रेन्स रेजिस्टेंट बन जाएंगे इन सब ड्रग्स के अगेंस्ट भी, ये ड्रग्स भी काम नहीं करेंगी। ठीक है, अपनी मोर्टेलिटी भी रेट ख़राब हो रही है, हमारे लिए भी ख़राब कर रहा है, हमारे लिए कैसे ख़राब हो रहा है, ख़राब खराबी पैदा कर रहा है कि अब ये हमारी ड्रग्स यूज़फुल थी, इसकी वजह से, इसकी नॉन कम लो कम्प्लाइंस की वजह से ये ड्रग्स भी अब रेजिस्टेंट हो गए टू द माइकोबैक्टीरियम। ठीक, तो इसकी वजह से हमारे लिए भी ख़राबी हो गई, तो इस की वजह से हाईली रेजिस्टेंट है क्योंकि लो कंप्लायंस ऑफ द पेशेंट, और ये खुद भी हाईली रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, तो इस लो कंप्लायंस ऑफ द पेशेंट को ख़त्म करने के लिए एक है DOT, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी, के मतलब अपने सामने ही पेशेंट डॉक्टर के सामने बैठे या डॉक्टर उसको सामने बैठाए उसी टाइम ही, या फिर घर में जो भी हो उसको ऑब्जर्वेशन में रखे कि ये ड्रग्स ले रहा है कि नहीं, ये लेगा ड्रग्स तो रेजिस्टेंस पैदा नहीं होगी। क्लियर, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो गया अबाउट दिस माइकोबैक्टीरियम। अच्छा, मैंने कहा था ये कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स डिवाइड है इन डू तो टू टाइप्स, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन ड्रग्स। फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन्स प्रायोरिटी के बेसिस पे डिवाइड हुई हुई है। प्रायोरिटी कैसे, प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस एंड लीस्ट साइड इफेक्ट्स, इनके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हैं और लीस्ट इफेक्टिव है, ये मोर इफेक्टिव है और लीस्ट साइड इफेक्ट है। ठीक है, मोर इफेक्टिव है तो रेजिस्टेंस पैदा है नहीं हुई हुई। ठीक है, इनमें फर्स्ट लाइन ड्रग्स में कौन कौन सी आती हैं, आइसोनियाज़िड, एथेम्ब्यूटॉल, रिफामाइसिंस एंड पैराज़िनामाइड। ठीक है, ये रिफेम्पिन्स जो है, रिफेम्पिन्स में 3 किस्म की ड्रग्स आती हैं, रिफेम्पिन्स, रिफापेंटिन एंड रिफाब्यूटिन। ठीक है, 3 ये सारी क्या हो गई, ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स हो गई। ठीक, तो अब आते हैं सेकेंड लाइन ड्रग्स में। सेकेंड लाइन ड्रग्स में जो हमने पिछली ड्रग्स पढ़ी थी, या आगे जो थोड़ी सी कुछ है वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ एंटीवायरल्स है जो आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर्स में, कुछ जो है ना पीछे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स या न्यूक्लिक एसिड इनहिबिटर्स, ठीक है, वो सारे बीच में आते हैं। ठीक है, अच्छा, एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स है एक, एक है एमाइनो सेली साइक्लिक
एसिड, एक है कैप्रियो कैप्रियोमाइसिन, एक है इथानामाइड, ठीक, एक है फ्लोरो क्विनोलोन, उसके अलावा है मैक्रोलाइट, ठीक है, मैक्रोलाइट, ठीक। ये क्या है, दीज आर द सेकेंड लाइन ड्रग्स प्रियोरिटी के बेस पर, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे 6 मंथ्स की बात थी, 6 मंथ्स के लिए ये थेरेपी दे रहे थे, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो 6 मंथ्स में ये सारी ड्रग्स कंबाइन कर करके देते हैं फॉर 2 मंथ्स, ठीक। 2 मंथ्स के लिए हम ये सारी ड्रग्स कंबाइन करके दे रहे हैं, फिर उसके बाद है जो नेक्स्ट 4 मंथ्स रह गए 6 मंथ्स की थेरेपी में, उसमें आइसोनाइजिड और रिफामाइसिन, उसमें रिफेम्पिन जो है ये कंबाइन करके देते हैं। तो इस 6 मंथ्स के पीरियड में हमें पता चल जाता है कि ये माइकोबैक्टीरियम किस ड्रग के अगेंस्ट ससेप्टेबल है। ससेप्टेबिलिटी मतलब कि ये बैक्टीरिया उस ड्रग से किल हो जाएगा, क्लियर। और एक ससेप्टेबल होता है, एक रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। या वो ड्रग ससेप्टेबल होगा मतलब बैक्टीरिया उस ड्रग से मर जाएगा, या रेजिस्टेंट होगा बैक्टीरिया उस ड्रग से नहीं मरेगा, ठीक। तो इन टाइम पीरियड में हमें पता चल जाता है कि किस ड्रग के टूवर्ड्स ससेप्टेबल है। अगर नहीं मिल रहा है तो हम जो है ना सेकेंड लाइन ड्रग्स भी इनकी कॉम्बिनेशन में दे देते हैं ताकि हमें पता चल जाए, ठीक है। अच्छा, तो अभी पिछली जो हमने जितनी भी एंटी माइकोबैक्टीरियल्स पढ़े हैं उसमें हमने मतलब ये कॉन्सेप्ट था कि अगर फर्ज करें ये एक बैक्टीरिया है, क्लियर, इसके लिए हमारे पास ये थेरेपी थी 3 किस्म की, ठीक है। तो हम इस माइकोबैक्टीरियम सॉरी इस बैक्टीरियम को कौन सी थेरेपी देंगे इसमें से, जो फर्स्ट बनी थी बस वही देंगे, जब तक इसमें रेजिस्टेंस ना आए तब तक ये देते रहेंगे, और रेजिस्टेंस आ गई तो तब जो है ना ये ड्रग नहीं देंगे, ये रेड वाली, अब ये ग्रीन वाली देंगे, जब तक ये दे सकते हैं तब तक ये देंगे, अगर रेजिस्टेंस आ गई तो स्टॉप, फिर जो है ना हम लास्ट ड्रग देंगे, आप अपने लिए ऑप्शंस रखेंगे, ठीक है। पिछली ड्रग पिछली सब बैक्टीरियाज में ये बात होती थी, ऑप्शंस रखते थे, जैसे एमआरएसए में पढ़ा है पहले पेनिसिलिन देते थे, साथ साथ सिफेलोस्पोरिन देते थे, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स सारे देते थे, जब वो काम नहीं करते थे तो नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स देते थे, जो नॉन बीटा लैक्टम सिलवॉल इनहिबिटर्स हैं, जब वो काम नहीं करते थे तो फिर जो है ना प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स की तरफ चले गए, ठीक है, वेनकोमाइसिन से फिर चले गए टूवर्ड्स डेप्टोमाइसिन, डेप्टोमाइसिन भी सिलवॉल इनहिबिटर है, फिर उसके बाद जो है ना प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स की तरफ चले गए थे, ठीक है, क्विनपेस्टिन डेफलोपिस्टिन और लेनोसिलेट उनकी तरफ चले गए थे, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। तो इस तरह अपने लिए ऑप्शंस रखते थे, ठीक है, कि एक कि अगर सारी ड्रग्स एक साथ देंगे तो सब में जो है ना रेजिस्टेंसेज आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये वाली बात नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हमारे पास फर्ज करें ये 4 किस्म की ड्रग्स हैं, तो हम ये 4 कंबाइन करके इस तरह 1 2 3 4 ये कंबाइन करके इस माइकोबैक्टीरियम, अब ये कौन सा बैक्टीरियम है, ये माइको बैक्टीरियम है, जितनी भी हमारे पास अवेलेबल ड्रग्स है सारी जो है ना जो ससेप्टेबल सारी देंगे ताकि ससेप्टेबिलिटी पता चल सके, ठीक। अब ये यहाँ पे ये वाली बात क्यों आ गई, क्योंकि ये क्या हाईली रेजिस्टेंट स्पीशी है। अब फर्ज करें इस माइकोबैक्टीरियम को हमने ये सारी ड्रग्स दे दी, इनमें से कभी क्या पता ये इस ब्लैक वाले के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो, ब्लू के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो, कम से कम एक ड्रग के अगेंस्ट तो ये ससेप्टेबल होगा ना, हमें वो पता चल जाएगी, फिर जो है ना हम बाद में वो उसको देते रहेंगे तो माइकोबैक्टीरियम सप्रेस हो जाएगा। इसकी मिसाल इस तरह हुई कि इन सब के जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे ना तो आपको फिर पता चलेगा कि हमने एक साथ क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इन सब का क्या है ऑलमोस्ट सिमिलर ऑलमोस्ट सेपरेट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। कि अगर एग्जाम्पल लें कि ये है माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, ये आइसोनाइजिड है, ये इथैम्ब्यूटोल है, ये रिफामाइसिन है, ये पिराजिनमाइड है, ये देखिए डायरेक्ट ही चलेगा इसको मारने के लिए। तब ये देखें पहले क्या थी उस मतलब अगर ये देखें सबके क्या है डिफरेंट अटैक ऑफ एक्शन है, एक यहाँ से मार रहा है, एक यहाँ से मार रहा है, एक यहाँ से मारेगा, एक यहाँ से मार रहा है, ठीक है, सब तो यहाँ से नहीं मार रहे ना, ठीक है, सबका अगर सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता तो अगर ये इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट है तो इसके अगेंस्ट भी होगा, इसके अगेंस्ट भी, इसके अगेंस्ट भी, ये सारी ड्रग्स ज़ाया हो जाएंगी। यहाँ पे हम सब दे रहे हैं
क्योंकि सबका डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट एक्शन से जाके एक्ट करके इसको किल कर सकती है, और एक साथ देंगे तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस एक ही टाइम में जो है ना रेजिस्टेंस सबके अगेंस्ट पैदा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। ये बैक्टीरिया इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस एट अ टाइम बना सकती है, इन सब के सामने, इन सब के अगेंस्ट नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम ज़्यादा ट्रीटमेंट देते ताकि रेजिस्टेंस बचा सके। लेकिन वही बात आ गई कि अगर यही पेशेंट है जो कि ड्रग ले रहा नहीं है, तो ये फॉर दी भी है, उसके वही बावजूद भी रेजिस्टेंस आ गई है, ठीक है। तो लो कंप्लायंस ऑफ द पेशेंट को मद्देनज़र रखते हुए ट्रीटमेंट देनी है, ठीक है। और ये लो कंप्लायंस शो कर रहा है तो फिर DOT, डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी। ओके, तो मैंने कहा था कि मैं जो हूँ ना बताऊँगा कि वीडियो 1A, 1B, 1C में क्या डिस्कस करेंगे। 1A, 1B एंड 1C। 1A में तो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, इसके बाद बस सिर्फ मैं जो ना आइसोनियाज़िड डिस्कस करूँगा, ठीक। फर्स्ट लाइन ड्रग की सिर्फ नंबर 1 अब इसके बाद डिस्कस करूँगा, फिर इस वीडियो को ख़त्म कर दूँगा। वीडियो नंबर 1B में रेस्ट ऑफ द फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं वो डिस्कस कर लूँगा, और वीडियो नंबर 1C में जो सेकेंड लाइन ड्रग्स हैं वो डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं विद द फर्स्ट ड्रग ऑफ द फर्स्ट लाइन थेरेपी, दैट इज द आइसोनियाज़िड, ठीक है। और इसके अलावा जो इन मैंने पीछे भी बेसिक कॉन्सेप्ट दिया, इसमें जो भी समझ ना आया हो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ड्रग दैट इज आइसोनियाज़िड। ओके, तो फर्स्ट लाइन थेरेपी की फर्स्ट ड्रग दैट इज आइसोनियाज़िड, इसका हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि ये वर्क कैसे करेगी, ठीक है। इसको वर्क क्या है, इट इज़ सेलेक्टिव टू द वर्क टू द एक्शन ऑफ माइकोबैक्टीरियम। क्यों? क्योंकि माइकोबैक्टीरियम में क्या होता है, माइकोलिक एसिड होता है उसकी सेल वॉल में, ठीक है। तो आइसोनियाज़िड क्या करता है, इनकी माइकोलिक एसिड की प्रोडक्शन या सिंथेसिस क्या करती हैं, स्टॉप कराती हैं, ठीक है। जब ये सिंथेसिस इंटरफेयर हो जाएंगी तो उसकी वजह से जो है ना ऑब्वियसली इनकी जो है ना फंक्शनैलिटी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो आइसोनियाज़िड इसलिए सेलेक्टिव है फॉर द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। लेकिन कैसे वो भी डिस्कस करेंगे, ये तो बस सिंपल बात होगी कि बस माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस स्टॉप करें, लेकिन कैसे वो भी बात आती है ना। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फिर इसमें रेजिस्टेंस की बात भी एक्सप्लेन हो जाएगी, ठीक है। याद कर रटा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये जगह रोक रही है जी। अच्छा, तो ये कैसे जो है ना माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस स्टॉप करेगा। अच्छा, तो माइको आइसोनियाज़िड आ गया बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम होता है कैट जी। कैट जी क्या है, इट इज़ अ बैक्टीरियल कैटलेज परोक्सीडेज, एस आ गया तो मतलब ये क्या, इट इज़ एन एंजाइम, ठीक है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के पास है। तो जब ये एंजाइम होगा इसकी प्रेजेंस में ये क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट आइसोनियाज़िड टू आइसो निकोटिनिक असाइल रेडिकल, ठीक है। इसमें कन्वर्ट कर देगा आइसोनियाज़िड को, ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब जब ये है बन गया है रेडिकल, ये जो है ना स्पॉन्टेनियसली जो है ना कंबाइन करेगा विद NADH, इसके साथ बना के क्या एक कॉम्प्लेक्स बना देगा, ठीक है। क्या आइसोनिकोटेनिक प्लस ये NADH, ये क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, दिस विल इनहिबिट फैटी एसिड सिंथेस एंजाइम, ठीक है। फैटी एसिड सिंथेस तो नज़र नहीं आ रहा, एज ASE, ठीक है, सिंथेस एंजाइम को स्टॉप कर रहा है। ये एंजाइम क्या करेगा, माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस प्रिवेंट करेगा। जब ये इनहिबिट हो गया तो इसलिए ये इनहिबिट हो गया, माइकोलिक एसिड क्या है, इट इज़ अ फैटी एसिड, ठीक है। तो जब ये सिंथेस एंजाइम ही नहीं है जो कि माइकोलिक एसिड बनाता है, तो माइकोलिक एसिड बनेगा ही नहीं, तो माइकोलिक एसिड बना नहीं, तो उसकी जो है ना सेल वॉल इंटीग्रिटी लॉस हो गई, ठीक है। सेल वॉल में ही मेन कॉम्पोनेंट है माइकोबैक्टीरियम का माइकोलिक एसिड, ठीक। ओके, तो इसकी वजह से जो है ना इट इज़ क्या है, मैंने क्या कहा था, इट इज़ सेलेक्टिव
फॉर माइकोबैक्टीरियम, इसकी वजह से, क्लियर? अब ये बात आ गई कि आइसोलाइजेट, एक और बात है कि अगर ये बैक्टीरिया ग्रोइंग है, मतलब ये पॉजिटिव टर्म ले लेता हूँ फॉर ग्रोइंग, ठीक है, तो जो ग्रोइंग मतलब रैपिडली डिवाइडिंग बैक्टीरिया है, उसके लिए ये क्या होगा, बैक्टीरियोसाइडल होगा, और जो कि स्टैटिक ड्रग है या स्टेसिस पे है बैक्टीरिया, मतलब ग्रोइंग नहीं कर रहा, उसके लिए मैंने नेगेटिव कर लिया, ठीक है, उसके लिए ये बैक्टीरियो स्टैटिक प्रूफ होगा, इसमें मतलब किल, इसमें वोंट किल, स्टेशनरी में ले जाएगा स्टेसिस, ठीक है, ओके। तो ये बात आ गई, यहाँ पे आप इसका एंटी माइको माइकोबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या होगा, माइकोबैक्टीरियम क्या है, इट इज़ अ ग्राम इनडिटर्मिनेट बेसिलाई, एसिड फास्ट बेसिलाई, ठीक है, ग्राम ग्राम इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट का क्या मतलब कि इट इज नॉट ग्राम पॉजिटिव नॉर ग्राम नेगेटिव, ठीक है, दोनों नहीं है ये, ठीक है, इन कैटेगरी में नहीं आता, क्लियर, इट इज़ अ एसिड फर्स्ट बेसिलाई लेकिन ग्राम इनडिटर्मिनेट, ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, इसका स्पेसिफिक सेलेक्टिव है फॉर दिस, क्लियर, तो माइकोबैक्टीरिया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी डिस्कस हो गई, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस। आप इस प्रोसेस में मेन चीज़ क्या है जो कि सारा प्रोसेस कैरी आउट कर रहा है, कैट जी, कैट जी की वजह से जो है ना ये आइसोनाइजेड आइसोनिकोटिनिक एसिड में बन रहा है ना, एनएडीएच तो हर जगह से मिल सकता है ना, ठीक है, ठीक, तो आइसोनिकोटिनिक एसाइल रेडिकल कौन बना रहे हैं, कैट जी, तो ये माइकोबैक्टीरियम क्या करेंगे, कैट जी की सिंथेसिस ख़त्म कर लेंगे, ना कैट जी रहेगा ना एक्टिवेशन होगी ऑफ आइसोनाइजेड, आइसोनाइजेड एक्टिवेट नहीं हुआ, माइकोलिक एसिड सिंथेसिस प्रिवेंट हो रही है, नो, क्लियर, तो ये हो गई इसकी रेजिस्टेंस, क्लियर हो गया, अब इसमें कुछ समझ ना आई हुई हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, तो अब जो है ना फर्दर डिस्कस करते हैं अबाउट आइसोनाइजेड, ये इसके यहाँ पे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, द रेजिस्टेंस एंड एंटीबैक्टीरियल माइकोबैक्टीरियम स्पेक्ट्रम हो गया, ओके, तो फार्माकोकाइनेटिक डिस्कस करते हैं आइसोनाइजेड, पहले क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ओरल है, ठीक है, अच्छा, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन डिस्कस करते हैं, एब्जॉर्प्शन जो है ना ऑब्वियसली इसकी जो है ना, अगर एब्जॉर्प्शन जो है ना इसकी मतलब अच्छी तरह एब्जॉर्ब होती है लेकिन वो इम्पेयर हो सकती है किस फैक्टर की वजह से, एब्जॉर्प्शन क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इम्पेयरमेंट ही हमने डिस्कस करनी है, अगर हमने ये आइसोनाइजेट ले ली विद कार्बोहाइड्रेटेड फूड, मतलब हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक के साथ, कार्बोहाइड्रेट इंटेक, ठीक है, या फिर विद एल्यूमिनियम जो कि +3 ट्राइवेलेंट एंटासिड्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, इसके साथ ले ली या इसके साथ ले ली, तो इसकी वजह से जो है ना इसकी एब्जॉर्प्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, क्लियर, तो इसके साथ हमने नहीं लेना, ठीक, ये होगी इसकी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इसके साथ एम्पेयर हो रही है, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट क्या है, इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी और सेल्स में भी डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो कि इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है, तो ये जो है हमारी बॉडी में फुल वेल डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है, सेल्स में जाके जाती है, सेल्स का क्या मतलब, इंट्रा सेल्यूलर, ठीक है, उसके अलावा CSF में जो है ना इसकी कंसंट्रेशन इज़ इक्वल टू सीरम, दोनों में इक्वल कंसंट्रेशन होती है, यहाँ मेन बात क्या है, ये सेल वाली बात है, इंट्रासेल्युलर वाली बात है, कि ये ट्यूबरक्लोसिस क्या होते हैं, ये जाके जो है ना ग्रेन्युलोमा बना देते हैं, जिसमें जो है ना ये मैक्रोफेजेस में जाके क्या करते, छुप जाते हैं, ठीक है, तो ये इंट्रासेल्युलर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो ये एक्शन हेल्प कर रहा है इनको मारने में, जो कि इसके अंदर छुप रहे थे, ठीक, तो इसकी वजह से इनका अटैक ये ज़रूरी है, ये वाली बात, ठीक है, इंट्रासेलुलर एक्शन है, तो जाके जो इंट्रासेलुलर छुपे हैं ट्यूबरक्लोसिस के, उनको जाके अटैक करेगा,
ठीक हो गया, ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारी बॉडी से क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट होने से पहले मेटाबोलाइज होगा। मेटाबॉलिज्म में कौन से हैं, एसिटाइलेशन से मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है। एसिटाइलेशन की बात आ गई, तो एसिटाइलेशन का क्या, किसका फंक्शन है, लिवर का फंक्शन है। लिवर में इंजाइम्स हैं एसिटाइलेटर्स। तो यहाँ पे बात आ जाती है, कुछ पेशेंट होते हैं जो कि स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं, कुछ होते हैं जो कि फास्ट एसिटाइलेटर्स होते हैं। फास्ट एसिटाइलेटर तो चले इतनी प्रॉब्लम नहीं है, डोज अगर अगर हमने स्पेसिफिक डोज दे दिया, फास्ट एसिटाइलेटर्स क्या करते हैं, जल्दी जल्दी उसको एसिटाइलेशन कर लेते हैं, ठीक है। एसिटाइलेशन प्रोसेस इनका क्या है, फास्ट है, ठीक है। एसिटाइलेशन का प्रोसेस फास्ट है, एसिटाइलेशन का प्रोसेस स्लो है, ठीक है। तो फास्ट मेटाबॉलिज्म हो रही है, तो जल्दी एक्सक्रीट हो रही है एज सून एज इट हमारी बॉडी से। अगर इसका हाफ लाइफ 1 आवर है तो इसका हाफ लाइफ कम हो जाएगा, ठीक। तो फास्ट एसिटाइलेटर अगर पेशेंट हो, ठीक है। ये जेनेटिकल डिफरेंसेस होती है, कुछ पेशेंट स्लो एसिटाइलेटर होंगे, कुछ फास्ट एसिटाइलेटर्स होंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम आती है स्लो एसिटाइलेटर्स में, हमें अगर पता ना हो, अगर उस पेशेंट को हम सेम अमाउंट ऑफ ड्रग दे दी, मेटाबॉलिज्म स्लो हो गई, तो उसकी वजह से जो है ना हमारी बॉडी में ज़्यादा देर के लिए रह सकती है, जिसकी वजह से डिफरेंट साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, क्लियर। ओके, तो स्लो एसिटाइलेटर की यहाँ बात आ गई। तो अगर स्लो एसिटाइलेटर की बात आ भी गई, तो इसके रिलेटेड एक और बात है, लिवर इनसफिशेंसी अगर पेशेंट को हो, अगर पेशेंट अगर स्लो एसिटाइलेटर फास्ट एसिटाइलेटर वाली एसिटाइलेटर वाली प्रॉब्लम नहीं है, उसको लिवर इनसफिशेंसी है, ठीक। लिवर फंक्शनल लेस है, लिवर के ही ये एंजाइम है ना, तो लिवर ही फंक्शनल लेस है तो मेटाबॉलिज्म होगी, नो, ठीक। मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही तो हमारी बॉडी में क्या होगा, ज़्यादा देर के लिए होगा, तो हम क्या करेंगे, डोज रिड्यूस कर लेंगे। कि अगर कोई अगर मेटाबॉलिज्म स्लो हो रही भी है, तो हमारी ब्लड में डोज इतना ना हो जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो, ठीक। तो इसी तरह एसिटाइलेशन को टैकल कर सकते हैं विद लो डोज, अगर स्लो एसिटाइलेटर है, फास्ट एसिटाइलेटर तो ऑब्वियसली इंक्रीज करेंगे ही डोज, लेकिन अगर ये लिवर भी डैमेज है तो फिर भी लो डोज, ठीक है। इन दोनों में लो डोज ही काफ़ी है, क्लियर। अच्छा, तो उसके बाद ये जब एसिड मेटाबोलाइज हो गई, तो अब क्या होगी, एक्सक्रीट होगी। एक्सक्रीशन में क्या काम है, एक्सक्रीट बाय यूरिन, ठीक हो गया। तो यूरिन से एक्सक्रीट हो गया मेटाबोलाइट्स या फिर पेरेंट जो भी है, ठीक। ओके, तो फार्माकोकाइनेटिक्स के बाद अब डिस्कस करेंगे आइसोनियाज़िड के फार्माको डायनेमिक्स, ठीक है। फार्माको डायनेमिक्स में क्या क्या आता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है जो कि हमने डिस्कस कर दिया है। अब आते हैं इसके साइड इफेक्ट्स पे, साइड इफेक्ट्स कौन कौन सी हैं। साइड इफेक्ट्स में जो नंबर वन है, दैट इज पेरेफरल न्यूराइटिस, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरेफरल नर्व्स, उसकी वजह से क्या होता है, पैरेस्थीजिया ऑफ हैंड, मतलब हैंड्स एंड फीट क्या होते हैं, पैरेस्थीजिया होते हैं, पैरेस्थीजिया मतलब नमनेस। ये पेरेफरल न्यूराइटिस किसकी वजह से कॉज होता है, बाय विटामिन B6 डिफिशेंसी, ठीक है, जो कि कॉज हो रही है बाय दिस आइसोनियाज़िड। आइसोनियाज़िड क्या करते हैं, आइसोनियाज़िड को INH भी लिखते हैं, ठीक है। आइसोनियाज़िड की मतलब ये एब्रिवेशन आइसोनियाज़िड ही है। आइसोनियाज़िड जो है ना, पेरेडॉक्सीन फॉस्फोकाइनेज एक एंजाइम है जो कि एक्टिवेट करता है पायरेडॉक्सीन को। रेडॉक्सीन क्या है, दैट इज विटामिन B6 है, ठीक है, सब मतलब नाम है इसका। इसको ये एंजाइम इसकी इनहिबिशन करता है, जिसकी वजह से इसकी एक्टिवेशन होती है और ये यूज़फुल होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसकी डिफिशेंसी आ जाती है, इसकी मतलब यूज़फुल वर्क वाली, ठीक है। तो इसको जो है ना हम ख़त्म कर सकते हैं, इनको ख़त्म कर सकते हैं बाय इनटेक ऑफ विटामिन B6, इंक्रीज कर ले 25 मिलीग्राम टू 50 मिलीग्राम ऑफ विटामिन B6 और पेरेडॉक्सी, ठीक है। और उसके अलावा जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन में ये बात नहीं बताई, क्योंकि यहाँ बताऊँगा, ब्रेस्ट मिल्क में भी जो है ना ये आइसोनियाज़िड पास ऑन होते हैं, जो कि जाके फिर प्रेगनेंसी में कॉज कर सकते हैं विटामिन B6 डिफिशेंसी। लेकिन अगर ये पेशेंट है जो विटामिन सप्लीमेंट्स ले रहा है, ले रही है सॉरी,
उसमें जो है ना ये पे ये साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो सेपरेट साइड इफेक्ट्स हैं वो है हेपेटाइटिस, तो लिवर फंक्शन की ही है, इडियोपैथिक इडियोपैथिक हिपेटो टॉक्सिसिटी, मतलब कि अब नॉर्मली जो है ना हमारी बॉडी में हिपेटो टॉक्सिसिटी आ रही है। ये लिवर डैमेज क्यों हो रहा है? क्योंकि जब इसकी एसिडाइलेशन होके जो एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनता है उसकी वजह से जो है ना ये लिवर की इन्फ्लेमेशन या फिर हिपेटो टॉक्सिसिटी आ सकती है। दैट मेटाबोलाइट इज मोनो एसिटाइल हाइड्रोजीन, ठीक है। इस मेटाबोलाइट की वजह से जो है ना ये साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, क्लियर। तो ये साइड इफेक्ट्स भी डिस्कस हो गए। अब आते हैं लास्ट में फार्माकोडायनामिक का लास्ट पार्ट, पार्ट जो कि होता है ड्रग इंटरैक्शन। ड्रग इंटरैक्शन क्या मतलब कि एक ड्रग इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर ड्रग क्या इफेक्ट देगा, ठीक है। अब ड्रग कौन सी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दैट इज फेंटोइन, ठीक है, जो कि लिवर के P450 आइसोजाइम से मेटाबोलिज्म होती हैं, जो कि इनहिबिट हो रहे हैं बाय आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड इसकी इनहिबिशन कर रहा है जिसकी वजह से ये ड्रग हमारे सीरम में इंक्रीज हो गया। अब ये ड्रग क्या है, दिस इज एन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, ठीक है। एपिलेप्सी में फिनेटोइन देते हैं, तो एपिलेप्सी के पेशेंट में अगर साथ आइसोनियाजिड हम देंगे उसकी वजह से इसका डो सीरम कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगी, तो ज़्यादा ही हो गए तो साइड इफ़ेक्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। कन्वर्जन और जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि इसकी वजह से हो रहे हैं, ठीक है, वो कॉज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो हम क्या करेंगे, या जो है ना ड्रग चेंज कर लेंगे जो कि स्पेसिफिक आइसोजाइम से मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहे, ठीक है। सीएनएस के चैप्टर में बताऊंगा डिफरेंट आइसोजाइम्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग को मेटाबॉलिज्म करवाते हैं, ठीक है। डिफरेंट फैमिलीज में डिस्कस करूंगा उसमें, तो उसमें अगर ये इनहिबिशन आ गई तो हम डिफरेंट फैमिली ऑफ ड्रग यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये ड्रग चेंज कर लेंगे या फिर डोज रिडक्शन से अगर इम्प्रूव हो रहे हैं जो साइड इफ़ेक्ट्स थे तो बस फिर तो ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे बस ये ख़त्म करते हैं। वीडियो नंबर वन ए दैट इज़ द, इसमें आइसोनियाजिड डिस्कस कर दिया और बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं एक्सप्लेन कर लूँगा, ठीक। अभी इसके बाद वीडियो नंबर 1 B जिसमें रेस्ट ऑफ द फर्स्ट लाइन थेरेपी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें आप ये नोट नोट करें यहाँ पे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था, माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस स्टॉप कर रहा था जिसकी वजह से जो कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेल वॉल है। अब जब आगे होंगे उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट होंगे। ये मैंने वही एग्जांपल दी थी कि ये अगर माइकोबैक्टीरियम है, हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल से डिफरेंट डिफरेंट जगहों से जो है ना इसको अब अटैक कर रहे हैं। मैंने आइसोनियाजिड का बता दिया, अब मैं औरों का बताऊँगा। तो ये वाली बात उस सेकेंड वीडियो में ज़रूर याद करें, ये याद रखें, ठीक है।